पर। जयंत चौधरी बोले यूट की लाठी से किसान करे चोट। यूपी के बुलंदशहर के फिरोजपुर गांव में आयोजित किसान महापंचायत में रालोद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि जब तक किसान दिल्ली और लखनऊ में वोट की लाठी नहीं चलाएगा तब तक सरकार की लाठी से नहीं बच पाएगा। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इशारों ही इशारों में किसानों से वोट की चोट करने की अपील कर डाली। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि कृषि बिल कुछ तथा कथित किसानों के लिए बनाया गया है। देश का किसान नहीं चाहता कि कानून लागू हो, लेकिन सरकार कानून को किसानों पर थोपना चाहती है। इससे न सिर्फ दाल में काला लगता है बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आती है। उन्होंने कहा कि पीएम आखिर कृषि कानून लागू करने की जिद पर क्यों अड़े हैं? क्या सरकार का कोई स्वार्थ इन कृषि कानून में है जो सरकार इन बिलों को लागू करना चाहती है? जयंत चौधरी ने कहा, जब तक किसान सरकार को वोट की चोट नहीं देंगे तब तक सरकार की लाठी किसान को सहनी पड़ेगी। जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार ने जो फोन नंबर किसानों को दिया है वह शायद जियो का है। जयंत चौधरी ने कहा कि महापंचायत में जो किसानों की भीड़ आ रही है वह उससे उत्साहित है और महापंचायत में किसान बिना बुलाए आ रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के आंदोलन जीवी पर जीवी वाले बयान पर भी कहा कि पीएम ने किसानों को आंदोलन पर जीवी कहा। आंदोलन जीवी पर जीवी कहना किसानों का अपमान है। वही महापंचायत में हजारों किसानों की भीड़ देखकर रालोद नेता गदगद दिखे। महापंचायत 8 बीघा मैदान में हुई जो किसानों और ट्रैक्टरों से भरा हुआ था। सबकी नजर के लिए बुलंदशहर से रिजवान अंसारी की रिपोर्ट। देखिए लोग एक जो जनता की इच्छा है वो ये है कि सरकार और ये उनका अधिकार बनता है। हम इसलिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किसान पंचायतों को पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं कि इस आंदोलन का दायरा कितना बड़ा है। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है और किसान तो पीछे हटना जानते नहीं, तो सरकार इस बात को समझ रही है। जब किसान पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं इस बिल का, तो सरकार वापस लेने की क्या राजनीति कर रही है? देखिए, कानून जो है तथाकथित किसानों के लिए बनाया गया है। सरकार अभी भी ये कह रही है कि किसानों का ही फायदा है, किसान इस कानून को चाहते नहीं, तो जबरदस्ती अगर थोपा जा रहा है तो उसका यही अर्थ निकाला जा सकता है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ सरकार का और प्रधानमंत्री के स्तर पे मैं ये खुद टिप्पणी कर रहा हूँ कि खुद उनके अंदर कोई ऐसी भावना है कि इस जिद पे उतर आए हैं। किसान आंदोलन को 2 दिन साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तीनों कानूनों को 2-3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। स्थगित कैसे किया गया? तो कोर्ट का ऑर्डर है, किसान कोर्ट पूरी सुनवाई करेगा, आदेश दे सकता है कि कानून लागू हो। अब कोर्ट को हम क्यों माने? हम सरकार से उम्मीद करेंगे ना। प्रधानमंत्री लगातार बात करने की बात कोर्ट से कोई प्रतिवेदन तो यहाँ पब्लिक कर नहीं रही, वो तो अपने चुने हुई सरकार। क्या किसान आंदोलन की आड़ में आप वेस्ट यूपी में अपनी सियासी जमीन तैयार खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं सर? देखिए, राजनीतिक फैसले बाद में होंगे। इतना जरूर है कि लोगों ने मन बना लिया है कि क्योंकि सत्ता इनके पास दी है, लखनऊ में भी और दिल्ली में, इन सरकारों से भी तंग और नाराज हैं लोग, तो ये भी फैसला साथ के साथ लोग ले रहे हैं कि अगर जब तक इनको राजनीतिक चोट नहीं दोगे और वोट की लाठी इन पे नहीं मारोगे तब तक किसानों को लाठी सहनी पड़ेगी इनकी। तो मोदी जी कह रहे हैं कि एक कॉल की दूरी है हमारी, एक कॉल। अब वो फोन जियो का है शायद। आपने कई जगह महापंचायत की है, उसमें भारी भीड़ देखने को मिली है, क्या आपको किसी ने इस भीड़ को देख रहे हैं? उत्साह वर्धन है और ये देखिए, इस भीड़ के प्रबंधन में कहीं कोई प्रयास हमारी तरफ से नहीं। कहने का अर्थ ये है कि लोग स्वतः अपने साधनों से खुद आ रहे हैं, एक एक दो दो दिन के इतला पे आ रहे हैं। ये एक प्रतीक है, ये एक संकेत है कि लोगों के अंदर कितनी नाराजगी इस विषय को लेकर।